वाओ, ये गैस देख सकते हैं, ये कि सबसे मैकाओ में सबसे ज्यादा कॉस्टली बर्ड्स होता है, जो कि मैं आपको देहरादून का दिखा रहा हूँ, ये मैकाओ का ब्रीडिंग फार्म्स। और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह ये ब्रीडिंग करके एग ले करके बॉर्न की है, बट ये ब्लू नहीं की है, वो कोई और की है। तो आप वीडियो देखिए गाइस। तो गाइस मैं आपको दिखाऊंगा जो कि देहरादून में आपका ब्लू गोल्ड मैकाओ का मैं वीडियो दिखाऊंगा, ब्रीडिंग किया है ग्रीन विंग मैकाओ और डार्क ब्लू जो सबसे कॉस्टली मैकाओ होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो देखिए गाइस। सो आप देख रहे हैं गाइस, ये मैकाओ देख सकते हैं फुल्ली आपका ब्रीडिंग पेयर है। अब मैं आपको ब्रीडिंग बॉक्स में देख सकते हैं, 4 एग लेके आया था जिसमें एक बेबी अभी हैच हो गया है, और आपका सॉरी 3 एग लेके आया था जिसमें एक बेबी हैच हो गया और 2 एग अभी तक है। और ये मैकाओ जो काफ़ी एग्रेशन में है, क्योंकि जितना भी वाइल्ड मतलब रखिए जो ब्रीडिंग करता है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन मूड में होता है। तो ये वीडियो मुझे देहरादून से मेरे एक भाई ने भेजा कि उनका मैकाओ का ब्रीडिंग कॉलोनी काफ़ी अच्छा है और वो घर में ब्रीड्स करते हैं, लेकिन उसे स्पेस काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिए हैं। और कैसा स्पेस दिए ये तो होम ब्रीड्स दिखाया, और इसके लिए कैसा स्पेस दिए वो मैं आपको बोल रहा हूँ। 12 फुट इनका हाइट दिए हैं, 12 फुट इनका हाइट दिए हैं, और इनका जो ब्रेथ हुआ, इनका जो चौड़ाई हुआ वो आपका दिया है 14 फुट, और इसका जो लेंथ हुआ वो भी दिया है 14 फुट। तो ऐसा दिया, और स्टील का केज का यूज़ किए हैं, और इनको ड्राई फूड में काफ़ी अच्छा से फूडिंग देते हैं। प्राइवेसी सबसे इम्पॉर्टेंट है, इंसान उसके आसपास कम जाए, वो प्राइवेसी के थ्रू रहते हैं। और ये ब्लू जो आप देख रहे हैं मैकाओ, ये ब्लू गोल्ड नहीं हुआ जो कि आपका 1 लाख 2 लाख में आता है। इसका अमाउंट मैकाओ में सबसे ज़्यादा अमाउंट इसका अमाउंट होता है, और ये काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव भी होता है, इंसानों के साथ काफ़ी अच्छा भी रहता है। तो मैं आपको दिखाया ये पेयर, जो मैं आपको बार बार ये पेयर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं ये किस तरह हैचिंग की है। हैचिंग से बेबी भी बॉर्न हो गया और एक बेबी तो उससे निकल रहा है, और ये उस टाइम का वीडियो है जब एक से 2 बेबी निकल गया, मतलब एक एक शायद इनका मतलब ख़राब हो गया, बट एक से एक तो पहले ही निकल गया था और एक अभी जस्ट एक से निकल रहा है। तो ये उस टाइम का वीडियो भी मुझे दिए कि जब आफ्टर 15 डेज बाद क्या प्रोग्रेस हुआ, वो भी दिए, और इसके बाद जब बेबी बड़ा हो जाएगा, जब हैंड फीडिंग के चिक्स में भी आ जाएगा, वो भी वीडियो मिलेगा। सो गाइस कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके बोलिए, लाइक एंड शेयर करिए, मैं अभिषेक किसी तरह आपके लिए वीडियो लाते रहूंगा। सो गाइस धन्यवाद दोस्तों।